नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हॉट एंड कोल्ड आरओ एक्सियन का जो है उसके अंदर एक्चुअल क्या होता है और अंदर क्या क्या है, और जानेंगे कैसे इसके जो फंक्शन है हीट एंड कोल्ड के कैसे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको ओपन अप करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा हॉट वाटर का जो टैंक है वो, ये ऑलमोस्ट 1 लीटर का है। इसके अंदर 1 लीटर जो हीटिंग एलिमेंट है जो हीट करके पानी को आपको प्रोवाइड करता है। ये जो टैंक है, इसके अंदर फिल्टर्ड वाटर जो है आरओ वाटर वो फिल्टर होकर यहाँ पे आता है, और इसके अंदर से जो है ये हीटिंग टैंक में जाता है। हीटिंग टैंक में से जो है आपको यहाँ पे जो है हॉट वाटर मिलता है। और सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसुलेशन किया हुआ है, इसको स्टेनलेस स्टील का ये टैंक है पूरा। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का टैंक है पूरा, जिसमें हीटिंग किया जाता है, और जो नॉर्मल वाटर है वो इस प्लास्टिक टैंक में आता है। और यहाँ ये जो है ये थर्मल इंसुलेटेड जो है ये कोल्ड वाटर का टैंक है, जिसके अंदर जो ठंडा पानी बन के आता है, और इसमें से मेन टैंक में से आपको ठंडा पानी यहाँ पे बन के मिलता है। ये पूरा का पूरा टैंक है, 11 लीटर का स्टोरेज है पूरा का पूरा ये, जिसके अंदर जो है आपको अगर ड्रेन करना है, टैंक को साफ करना है, तो सीधे के सीधे यहाँ से खोल के आप साफ कर सकते हैं। तो ये हॉट वाटर टैंक है, ये कोल्ड वाटर टैंक है, उसका जो थर्मल जो हीट निकलता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिस्टम पूरा का पूरा बना हुआ है, जिससे आपका पानी ठंडा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो डिज़ाइन है, सर्किट बोर्ड अंदर बना हुआ है, और जो मेन डिस्प्ले है वो ये है। और इसमें रिपेयर करने वाला जो भी पार्ट है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो डिस्प्ले है ये पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाता है। अगर आपका कूलिंग का जो पार्ट है वो ख़राब हो जाए तो ये पूरा पूरा अवेलेबल हो जाता है, इसको निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका हीटिंग का पार्ट ख़राब होता है तो ये भी पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाता है, इसको सिर्फ निकाल के रिप्लेस करना होता है, इसमें रिपेयर करने वाली कोई चीज़ नहीं होती। और चलती है दोस्तों, चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं इसके पीछे क्या है। तो पीछे बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आरओ पंप है, और ये दो हीरो के एसवी है जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे आपका आरओ मेम्ब्रेन है, ये जो है सारे के सारे फिल्टर्स है, प्री फिल्टर्स। इसका एसएमपीएस जो है वो इनबिल्ट होता है इसके अंदर, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड सिंपल डिज़ाइन है। जो SMPS है इसका, इसके पीछे का SMPS इनबिल्ट है, पूरा का पूरा सर्किट है नीचे, जो प्रोटेक्शन के लिए जो सर्किट रहता है वो पीछे है इस तरफ, इसके अंदर पूरा सर्किट है जो आपका पावर सप्लाई और सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये हॉट एंड कोल्ड मशीन के अंदर क्या होता है, तो आज हमने देखा है व्हाट्स इनसाइड द हॉट एंड कोल्ड मशीन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी हॉट एंड कोल्ड मशीन के, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर्स पे, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।